मुझे एक बात बताओ, सब लोगों ने तो मना कर दिया था आने से, फिर ये अचानक से प्लान कैसे बन गया? इसका क्रेडिट इन बच्चों को जाता है माँ। आपकी चंचल से बात हुई, फिर श्वेता ने दिव्यराज को फोन किया और दिव्यराज ने अनिरुद्ध को, फिर इन सब बच्चों ने मिलकर तांडव मचाया। अब इन बच्चों के आगे किसकी चल सकती है? वो तो है, आप लोगों के सामने हमारी नहीं चली तो आपके बच्चे अब आपके कान मीठेंगे। इस खुशी में हम इन बच्चों को खूब मजे करवाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। हे बेब, हे बेब, हे बेब, एक मिनट, वो सब तो समझे हम, लेकिन ये ड्रामेबाज यहाँ कैसे आ धमके? आप तो जयपुर जाने वाले थे, बड़े बड़े लोगों से मिलने वाले थे। वो पापा, एक्चुअली मैं जाने ही वाला था। पापा, मेरे आगे इसकी चलिए कभी। पायल बेटा, आप मिंटी को भी साथ ले आती, उसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगता। बहुत समय बीत गया उसे देखकर। वो नए लोगों में कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती। आउटसाइडर फील करती है। अरे माँ, वो पायल के कहने का मतलब है कि जानती हूँ, और ये सच हम सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मिंटी इस घर का हिस्सा नहीं है, वो मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं है। अच्छा सुनिए सुनिए, बच्चे लोग मेरी बात सुनिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ जाइए सब। हमने सभी के लिए अपने हाथों से तोहफे बनाए हैं। ये लीजिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए और आपके लिए। थैंक यू दादी। हाँ, मेरे लिए थैंक यू माँ। ये ले लीजिए बेटा। माँ, सच में आपने हम सबके लिए कितनी तैयारियां की है ना, बच्चों को गिफ्ट देते हुए एकदम सैंटा क्लॉज लग रही थी। दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हुआ। सोच समझ कर बोलिए, आपके पापा चिढ़ जाएंगे। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पेरेंट्स इस दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हैं, है ना? हाँ, रहने दीजिए, ये चमचागिरी हमारे साथ नहीं चलेगी। हाँ, जानते हैं हम, आप सब अपने माँ के लाडले हो। नहीं नहीं पापा, मैं तो आपका लाडला हूँ, है ना? अच्छा, है ना माँ? मम्मा देखो ना, नानी ने मेरे लिए कितनी प्यारी डॉल बनाई है ना। जब मैं छोटी थी और बाजार में किसी सॉफ्ट टॉय के लिए जिद करती थी ना, तो मां रात भर जाकर वो टॉय मेरे लिए बना देती थी। या हाँ मां,
हम सोचते थे कि माँ को जादू आता है और जादू से रात को खिलौने बना देती थी। जादू ही तो है आपकी माँ के हाथों में, ये तो हम भी मानते हैं। अब बस बस बहुत हो गया, चलिए चलिए हटिए सब, अभी हमारी बहुएं और बेटी की बारी है। चलिए चलिए आइए भाई, देखिए चलो भाई हम बाहर चलते हैं। हमने आप लोगों के लिए साड़ियाँ तो खरीदी है, पर आपको जो पसंद आती है आप ले लीजिए। देखिए तो क्या पसंद आती है आपको हमारी चॉइस। चलो बच्चों हम बाहर चलते, चलो चलो चलो। मुझे तो पटाखों से डर लगता है। डरने की क्या बात है, हम हैं ना आप सबके साथ। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ कि सुबह कब होगी, कितना मजा आएगा पटाखे जलाने में। हाँ बहुत मजा आएगा। हाँ। अरे बेटे पटाखे सुबह में नहीं जलाए जाते, रात को जलाए जाते हैं, है ना। हम अभी आतिशबाजी करेंगे। याद है नानू, लास्ट ईयर हमने पेट पर एक घोंसला बनाया था, वहाँ पर चिड़िया भी रहने आई थी, है ना दादू। हाँ दादू, अब तो वहाँ उनके बच्चे भी आ गए होंगे ना। जहाँ घोंसला होता है वहाँ चिड़ियों का परिवार तो होता ही है। दिखेंगे और पटाखे जलाएंगे, है ना नानू। बिल्कुल। हाँ दादू चलते हैं ना। अनिरुद्ध बेटे चलो चल के पटाखे जलाते हैं। है? आया पापा। जी पापा। इतनी उम्र में मोबाइल फोन, आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हनी क्या फोन दे दो। हनी फोन लाओ। रिलैक्स देवन, हनी को फोन मैंने ही दिया है, वैसे भी ब्रो क्रैकर्स नहीं जलाएगा, उसे डर लगता है, उसे यही रहने दो, फोन के साथ खेलने दो उसे। अरे पटाखे से क्या डरना, हम हैं ना सारे बच्चों के साथ, हम खड़े हैं, दूर से आतिशबाजी देखिएगा। हाँ बेटे। मॉम मुझे जानने दो ना प्लीज, मैं सबको दूर से पटाखे जलाते हुए देखूंगा, जानने दो। आई सेड नो एनी, वैसे भी 4 बज गए हैं, वी ऑल शुड स्लीप। वही तो, 4 बजे कौन सोता है, मतलब अब क्या सोना। पापा आप जल्दी उठ जाते हैं पर हम तो अभी सोएंगे, वैसे भी आज पूरी रात हो गई है, थोड़ी देर सो जाएंगे तो थकान उतर जाएगी। आप सही कह रही हैं पायल बेटा, वो क्या है ना आज आपके पापा कुछ ज्यादा ही खुश हैं। अजी थोड़ी खुशी कल के लिए भी रख दीजिए। बच्चों को सोने के लिए जाने दीजिए। जाओ बच्चों आराम कर लो। गुड नाइट पापा, गुड नाइट। चले ब्रिज जी थोड़ा आराम आप भी फरमाइए।
क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रहे हैं आप हमें? आपके चेहरे की रौनक 4 गुना बढ़ गई है बच्चों के आने से। हाँ वो तो है, बच्चे घर लौटे हैं तो रौनक तो लौटेगी ही, पर बस कुछ ही दिनों के लिए, फिर से वही 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। कल दीपावली है, 2 दिन के बाद भाई दूज, फिर चले जाएंगे बच्चे अपने अपने घर। आप भी ना। अरे सविता जी, बच्चे तो अभी आए हैं, उनके जाने के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान मत कीजिएगा। लिव द मोमेंट। वैसे एक आइडिया है उनको रोकने के लिए। जिस दिन बच्चों की फ्लाइट की टिकट्स हैं ना, उस दिन हम घर की सारी घड़ियों को स्लो कर देंगे ताकि उनकी फ्लाइट मिस हो जाए, और फिर हम बच्चों से कहेंगे कि जब तक शुभ मुहूर्त ना हो आप लोग जा नहीं सकते हो। यस रा, बहुत तकवास आइडिया है। ब्रिंजी आप लेखक है, कोई नई तरकीब सोचिए ना, आप हर साल हमें यही तरकीब बताते हैं, कुछ नया सोचिए। सच में कुछ ऐसा सोचिए जिससे बच्चे कम से कम 15 दिन रुकें। आइडिया है, आज से 15 दिन बाद हम फिर से घोड़ी पर चढ़ेंगे। बच्चों को तो आना ही है अपने पिता की शादी पर। सच? हाँ। इसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बच्चे रुक जाएंगे? Of course. क्यों नहीं? पहले आप हमें ये बताएं, ऐसी कौन सी हूर परी है जिसे देखकर आपके मन में ये शादी की तमन्ना कुलबुला उठी है? है मेरे ख्वाबों की मलिका, जिनके साथ मैं एक बार नहीं 1000 बार शादी कर सकता हूँ। सच में ये बहुत अच्छी तरकीब है, हम शादी में पहनेंगे क्या? यही हुई ना बात। बस 1 मिनट। ये साड़ी जो आपने हमारी शादी पर पहनी थी। नो चांस, तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किलों से आई हूं। आई हेट दिस प्लेस। कल दिवाली है, परसों की टिकट करवा लो। मिनोली, जब हम दिवाली पर आए हैं तो भाई दूज करके ही जाएंगे ना? ठीक है, भाई दूज वाले दिन की टिकट करवा लो। तुम समझ क्यों नहीं? इसीलिए मुंबई में ही कह रही थी कि रिटर्न टिकट करवा लो, लेकिन नहीं, तुम तो अपने मम्मी से पूछे बिना एक कदम भी नहीं उठाओगे। उठाया था, एक कदम उठाया था तुमसे शादी करने का, जिसके लिए आज तक पछता रहा हूं। तुम क्या पछता रहे हो? पछता तो मैं रही हूं। मेरे पापा ने तो साफ साफ कहा था कि ये मिडिल क्लास को तुम झेल नहीं पाओगी। तो मत झेलो। चिल्लाओ मत, क्योंकि अगर मैं चिल्लाने पे आ गई तो तुम्हारे मम्मी पापा के कमरे तक आवाज जाएगी। नींद उड़ जाएगी उनकी। सविता जी, हुँ? अपना हाथ दीजिए ना। आप तो जानती हैं, जब तक हम आपका हाथ नहीं पकड़ लेते हमें नींद नहीं आती। दादू, यहाँ पर तो
एक भी चिड़िया नहीं है। नानू, इतने दिन से यहाँ कोई चिड़िया क्यों नहीं रहना आई? इतनी मेहनत करके हमने घोंसला बनाया था, मगर हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। कोई मेहनत वेस्ट नहीं हुई है। एक जोड़ा पंछी का आया था, उन दोनों ने अंडे भी दिए और अंडे में से छोटी छोटी चिड़िया निकली और उनकी चहचहाट से हमारे घर में हलचल मची रहती थी। फोन आया है, एक मिनट। असिस्टेंट बैंक मैनेजर का फोन। हेलो ब्रिजमोहन बाबू, आपको कुछ पता चला? कल बैंक मैनेजर के घर सीबीआई की रेड पड़ी। क्या ब्रांच मैनेजर के घर पे सीबीआई की रेड पड़ी है? जी, मैनेजर साहब तो फरार है, मैं इस ब्रांच में आया हूँ। मुझे तो कुछ पता नहीं था कि इतनी गपशप हो रही है। देखिए, आप उनके करीबी हैं और कई सालों से इस ब्रांच में हैं। कौन जाने, आप पर भी काज गिर सकती है, तो आप संभल के रहिएगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमने आज तक एक रुपए की हेरा फेरी नहीं की है। ब्रिजमोहन बाबू, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं आपकी ईमानदारी की इज्जत करता हूँ। देखिए क्या है ना कि सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं। ब्रांच मैनेजर बहुत बड़ा फ्रॉड था, अपने आप को बचाने के लिए आपका नाम लिया हो। बाकी आप खुद समझदार हैं, संभल के रहिएगा। अब हमें अच्छा लग रहा है। लगता है साल में एक ही बार तेल लगाते हो। हाँ, कैसे सूखे घास की तरह उगाए हैं बाल। फील माँ, फील। अब गरीब आदमी का किरदार निभाना हो तो उसका फील दिमाग में उतारना होता है ना। कुछ भी। पापा, आपकी जगह मैं लेकर आती हूँ। रहने दो बेटे। माँ, आपकी चाय। थैंक यू। अब बहुत हो गया माँ का लाड़ और मालिश, चलो उठ जाओ। माँ, माँ, कहाँ जा रही हैं आप? बस थोड़ी देर और मालिश कर दो ना प्लीज। अच्छा चल। देखिए, आप ज्यादा सवाल मत पूछिए, हमें कुछ जरूरी ट्रांजैक्शन चेक करने हैं ब्रांच में। आप बस असिस्टेंट मैनेजर से चाबियां लेके ब्रांच पहुंच जाइए। हाँ, जानता हूँ कि दिवाली है आज, लेकिन हमारा काम भी बहुत जरूरी है, हम अभी वहां पहुंचते। अच्छा माँ, पूजा की थाली में सिर्फ पांच फल ही रखते हैं ना? हाँ, है ना पांच फल। देखो भाभी, मैंने बोला था ना आपको कि पूजा की थाली में सिर्फ पांच फल ही लगेंगे। अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? नाश्ता तो करते जाइए। ब्रांच मैनेजर, अपने आप को बचाने के लिए आपका नाम लिया हो। वो थोड़ा सा सामान लेकर आना था दिवाली के लिए, बस आया मैं। अरे पापा, आप नाश्ता कीजिए ना आराम से, मैं लेकर आता हूँ सामान। नहीं नहीं बेटे, आप बैठो, बालों की कटिंग भी तो करवानी है। लेकिन पापा, आपके बाल तो बिल्कुल ठीक लग रहे, मुझे नहीं लगता आपको हेयर कट की जरूरत है। अम्मा जी, और भी छोटे मोटे काम है, मैं बस यूं गया और यूं आया। ठीक है, आप लोग बैठे रहो।
ये ट्रांजैक्शन तुमने नहीं किया। असिस्टेंट मैनेजर ठीक कह रहा था, ब्रांच मैनेजर ने भी फंसा के। Share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.